जय श्री श्याम। ये कहानी है एहसास की, बाबा के प्रति विश्वास की। इंसान गलती करते करते थक जाएगा, पर वो दयालु देव माफ करते करते नहीं थकेगा। जय श्री श्याम। रात मैं सो ना पायो, मन में ख्याल सतावे। सारी रात मैं सो ना पायो, मन में ख्याल सतावे। बाबो बुलाया दौड़ो आवे, बाबो बुलाया दौड़ो आवे। जीव नहीं जा पावे, जीव नहीं जा पावे। मैं सो ना पायो। बाबा, बाबा मन माफ कर दो बाबा। मैं जाना अनजाना मैं बहुत बड़ी गलती कर दियो बाबा। दुनियादारी काम धंधा मैं इतनो मगरूर हो गो कि जीवन का स्वामी नहीं भूल गयो बाबा। मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी बाबा। मन माफ कर दो बाबा, मन माफ कर दो, मन माफ कर दो बाबा, माफ कर दो। तीन दिन पहले। सुनीता, सुनीता, अरे सुनीता यार, मैंने लेट हो रही है। जी अभी आई। गाड़ी की चाबी कटे है। हाँ लियो जी, सुनो ना। हाँ बोल। 14 तारीख की 11 से है। हाँ तो इपका आपा खाटू चाला ना, गुड्डा की भी स्कूल की छुट्टी है। देख अबार तो मेरा दिमाग खराब कर मत, फैक्ट्री से बार बार फोन आ रहे हो, मैंने ऑलरेडी लेट हो चुकी है। अबार तो फैक्ट्री जाने दे। और रही बात खाटू जाने की, तो अबार सीजन को टाइम है, अभी 2-3 महीना तो मैंने फुर्सत ही को नहीं। प्रदीप के खाटू जाने से इनकार करने पर सुनीता बहुत निराश हो जाती है। प्रदीप अपनी ऑफिस में। मुंशी जी बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें प्रदीप को यह बताना है कि उनकी फैक्ट्री में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सेठ जी, मैं काल से बहुत परेशान हूं। क्यों? आपनों करीबन 50 से 55 लाख कोष्टो कौन मिल रहे हो सेठ जी? अरे पागल हो गए? अच्छा से चेक कर एक बार। सेठ जी मैं कल सारी रात से कौन सो पायो, कम से कम 100 बार चेक कर लियो, फिर भी स्टॉक कौन मिल रहे हो। जरूर फैक्ट्री में ही कोई गड़बड़ हुई है, बट ऐसे ही चोरी हुई है। थे जल्द से जल्द कोई एक्शन ले लियो। मुंशी जी के इतना कहने पर प्रदीप अपने लैपटॉप पर स्टॉक की जाँच करने लगता है। अरे के जिमू, फैक्ट्री में इतनी बड़ी चोरी होगी, दिमाग ही काम कौन कर रहे हो? अल्ले यो कहीं होएगो? तू अबार फोन रख, बहुत टेंशन हो रही है। ए जी थे इतनी चिंता मत करो, बाबू जल्दी सब ठीक कर सी। हाँ जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अच्छा सुनो। और प्रदीप बिना सुनीता की बात सुने हुए फोन रख देता है। तभी प्रदीप के मित्र भजन गायक संजय मित्तल जी का प्रदीप के ऑफिस में आना। अरे महेश, प्रदीप कहाँ है? सर अपने केबिन में, आइए ना सर।
अरे प्रदीप, तू इतना परेशान क्यों है? अरे भाई जी के बताऊं, 50-55 लाख को स्टॉक ही कौन मिल रहे हो, और चोरी भी आपने ही फैक्ट्री से हुई है। पहली तो तू चिंता मत कर, तू बाबा पर भरोसा रख, बाबू अपना सागर कदे भी गलत को नहीं होने देवे। और तू जी मत उठा, मेरे एक बहुत खास दोस्त है जो कमिश्नर और पुलिस है, मेरी भी से बहुत अच्छी जान पहचान है, और सबसे बड़ी बात वो एक शाम प्रेमी है। मैं भी से बात करूं और जो भी FIR और कोई भी कानूनी कार्रवाई है मैं भी न करने के लिए बोलूं। चिंता मत कर, आपनो काम होगो, बाबू आपनो नुकसान को नहीं होने देवे। भाई जी प्लीज करवाओ ना, बहुत नुकसान होगा आपनो। हेलो। हेलो। हाँ विकास सर। हाँ। जय श्री श्याम सर, संजय मित्तल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ संजय जी, जय श्री श्याम, बोलिए बोलिए। सर मैं बोल रहा था कि मेरे एक बहुत ही करीबी मित्र हैं प्रदीप अग्रवाल जी, जिनकी फैक्ट्री में 50-55 लाख रुपए के करीब स्टॉक की चोरी हुई है, और हमें ये अभी तुरंत ही पता चला है। अच्छा? हम लोग बहुत परेशान है विकास जी, इसलिए मैंने आपको फोन किया है। मेरा आपसे निवेदन है सर, इस मामले में आप तुरंत कोई कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ओके संजय जी, ओके। घबराइए नहीं, पहले तो मुझे फैक्ट्री का एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। सर मैं अभी आपको व्हाट्सएप पर एग्जैक्ट लोकेशन सेंड करता हूँ। ठीक है संजय जी, आप परेशान तो बिल्कुल मत होइए, मैं देखता हूँ जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करवाता हूँ, एंड आई होप बहुत जल्द चोर हमारी गिरफ्त में होगा, और इस केस के जितने भी अपडेट्स हैं मैं आपको देता रहूंगा संजय जी, और आप संजय बिल्कुल भी चिंता ना करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सर। प्रदीप बहुत ही परेशान होकर अपने घर वापस आता है। छोटी छोटी बात पे यो कान लगावे, छोटी छोटी बात पे यो कान लगावे, कितनो ही दूर रहवा काम बनावे, कितनो ही दूर रहवा काम बनावे, दर्दी का आंसू आसे देख्या को नी जावे, दर्दी का आंसू आसे देख्या को नी जावे, देख्या को नी जावे। जद जद आँख्या झुर झुर रोवे, आँख्या झुर झुर रोवे बाबो आए हसावे, जद जद आँख्या झुर झुर रोवे बाबो आए हसावे, बाबो बुलाया दौड़ो आवे, बाबो बुलाया दौड़ो आवे, जीव नहीं जा पावे, जीव नहीं जा पावे, रात में सो ना पायो। बाबा बाबा, मेरे पापा के फैक्ट्री में चोरी हुई है, आप प्लीज जल्दी से चोर को पकड़वा दो ना, मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। कितनो ही खुद को मैं हूँ मेंढक कुएं को, कितनो ही खुद को मैं हूँ मेंढक कुएं को, गाड़ी को चक्को के बिना ना चलेगो,
ही सुने गो दर्दी को दर्द ही एको यो ही सुने गो यो ही सुने गो। श्याम कृपा को इत्रियो म्हारे पाको इत्र युम्हारे जीवन ने महकावे श्याम कृपा को इत्र युम्हारे जीवन ने महकावे बाबो बुलाया दौड़ो आवे बाबो बुलाया दौड़ो आवे जीव नहीं जा पावे जीव नहीं जा पावे रात में सो ना पायो संजय मित्तल जी स्टूडियो में अपना नया भजन रिकॉर्ड करते हुए और तभी कमिश्नर साहब का फोन आना। हेलो हेलो हाँ सर संजय जी जी सर आपके लिए खुशखबरी है। हाँ हाँ बोलिए ना सर। आपने जो प्रदीप जी की फैक्ट्री में चोरी के रिगार्डिंग एफआईआर करवाई थी हाँ हाँ हमने चोरों को पकड़ लिया है, हैं? और सारा माल बरामद कर लिया। क्या बात है। आप लोग थाने आकर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है उसे पूरा करके सारा माल छुड़वा लिया। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपने कितना बड़ा काम किया है हमारा सर। हम लोग दो दिन से बहुत परेशान थे। ये आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पर सर। थैंक यू सो मच सर। अरे अपना भी बोलते और एहसान की बात करते हो संजय जी। ये हमारी ड्यूटी है और आपके किसी काम आ पाऊं ये मेरा भी तो सौभाग्य है। आखिर एक श्याम प्रेमी ही तो श्याम प्रेमी के काम आता है। जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम। दादा थोड़ी देर बात करेंगे ना? अभी मेरे को एक अर्जेंट कॉल करना है, बहुत जरूरी काम है ना? बाद में करेंगे। हेलो। हाँ हाँ भाई जी। हाँ प्रदीप। हाँ भाई जी। अरे मत ना बोलो थो ना कि बाबा का दरबार में जरूर सुनाई होसी। हाँ भाई जी। अरे आपने बाबू सुन ली? अभी अभी कमिश्नर को फोन आयो सगला चोर पकड़ा गया हा? और आपनो सारो माल बरामद हो गयो। क्या बात कर रहे हो भाई जी, सारो माल बरामद हो गयो? अरे बाबा का घर में देर है अंधेर कोनी और आपने पे तो बाबू इतनी कृपा करी की देर भी कोनी करी। सही बात है भाई जी, सही बात। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हाँ सुनीता। हाँ जी। संजय जी को फोन आयो। अच्छा। मैं बताया आपनो सारो माल मिल गयो है? और चोर भी पकड़ा गया। अरे वाह, बताना बोली ना बाबू सब ठीक कर दी। जय हो जय हो। जय बाबा की। और सुनो ना आता समय गुड्डा के लिए मिठाई ले आई हो। अरे जरूर जरूर लेकर आऊंगा। हाँ। और प्रदीप गुड्डा के लिए मिठाई और ढेर सारे खिलौने लेकर घर पहुँचता है। अरे मैं तो थाने मिठाई के लिए ही बोली थी और थे तो इतना सारा खिलौना भी लेकर आएगा, आके के दरकार थी? अरे पगली अपनी गुड्डा भी तो आपनो कितो ख्याल रखे है, हितो तो बाप को फर्ज बने ही है ना? हाँ, जैसे बाबा हम सबका कितना ध्यान रखते हैं, देखो ना चोर को भी कितनी जल्दी पकड़वा दिया। अपनी बेटी के मन में बाबा के प्रति इतना विश्वास देखकर प्रदीप को एहसास होता है कि बाबा ने तो छोटी से छोटी बात पर भी कितना संभाला है और उसने क्या किया, उसे वो तमाम बातें याद आती है जब जब उसने बाबा की कृपा को नजरअंदाज किया, उसे बहुत पछतावा होता है। कृपा के लायक कोन्या फिर भी कृपा है। छिप्या है, मारो लेखो जोखो
समझा को न्या मार के खता है, लेकिन मैं समझा को न्या मार के खता है, मार के खता है। फिर भी गले लगावे जइया, फिर भी गले लगावे जइया, मायत गले लगावे, फिर भी गले लगावे जइया, मायत गले लगावे। बाप बुलाया दौड़ो आवे, बाप बुलाया दौड़ो आवे, जीव नहीं जा पावे, जीव नहीं जा पावे। सतावे सारी रात मैं सो ना पायो, सारी रात मैं सो ना पायो, सारी रात मैं सो ना पायो। मन माफ कर दो बाबा, मन माफ कर दो, मन माफ कर दो बाबा, मन माफ कर दो। थे जी मत उठाओ जी, बाबो हमेशा ही अपना सागे है। चलो सो जाओ, कल 11 से जल्दी उठना है। हाँ चल। 14 तारीख की एकादशी। सुनीता, सुनीता, अरे सुने के? हाँ जी आई। अरे अपने अटैची कटे है। अटैची क्यों? अरे आज 11 है ना, तू बोली है ना खाटू चाला, मैं टिकट बना लियो, अपनी 2 बजे की फ्लाइट है, चल जल्दी तैयार हो जा। सच में आप खाटू चल रहे हैं? हाँ। जय हो, जय हो, जय हो श्याम प्यारे की। जय हो, जय हो, जय हो खाटू नरेश की।